नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू अप्लाई प्रॉपर्टीज टू दिस प्रोडक्ट. सो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 103 इंटू 107. सो 103 कैन बी रिटर्न एज 100 प्लस 3 एंड 107 कैन बी रिटर्न एज 100 प्लस 7. सो यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इज x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी. सो इन दिस वी हैव x इज इक्वल्स टू 100, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 7. सो इट विल बिकम 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b, 3 प्लस 7 दैट इज 10, 10 इंटू 100 दैट इज 1000, 1000 प्लस a इंटू b दैट इज 3 इंटू 7 दैट इज 21. सो दिस विल बिकम 2000 प्लस 21. सो दिस विल बिकम 2021. नेक्स्ट पार्ट, 95 मल्टीप्लाइड बाय 96. सो इन दिस वी कैन राइट 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4. इन दिस वी कुड हैव ऑल्सो राइटेड एज 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 90 विल बी मच मोर complicated or difficult as compared to 100. So multiplying 100 and its square is much easier. So I choose this. You could have choose this. This is also correct. So by choosing this and using the same property, we'll have 100 square minus 5 plus minus 4 is minus 9 into 100. That is minus 900. And this into this will give us plus 20. So this will become 10,000 minus 900 plus 20 is equals to 9120. Next part is 100 plus 4 into 96 can be written 100 minus 4. So this is the property a plus b into a minus b. So this will become a square minus b square. So 100 square minus 4 square. So this is 10,000 minus 16, which is equals to 9984.